बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम डेकोर आइडियाज़ जो कि बहुत ही ईजी हैं और आपके घर को एक ट्रेंडी लुक भी देंगे। और इसे हम बनाने वाले हैं कुछ वेस्ट मटेरियल से, क्योंकि पहली बात तो यह कि इस तरह के वेस्ट मटेरियल सभी के घर पे पड़े रहते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि पुराने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके हम इन्वायरमेंट को सेफ रखने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास कुछ ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हुए थे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्रिंगल्स के खाली बॉक्स या फिर इस तरह के जो रोल्स होते हैं उन्हें कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पे वाइट जेसो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी जो बेस है उसको पूरा कवर कर देना है। जेसो नहीं है तो आप सिंपली वाइट एक्रीलिक कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। और अब मैं इसके ऊपर एक फेस बना रही हूँ, तो मैंने पेंसिल से फेस ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं ले रही हूँ ये क्ले, तो ये होममेड क्ले है। और ये मैंने कैसे बनाया है ये डिटेल में पूरी जानकारी आपको मेरे नए चैनल मानसीज लाइफ पे मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब क्ले का यूज़ करते हुए मैं एक एक करके इस फेस के सारे पार्ट्स बना लूँगी और इनको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दूँगी। तो जब सारे पार्ट्स अच्छे से ड्राई हो जाएं, तो अब इस फेस को और सुंदर बनाने के लिए हम इस पे चॉक पेंट अप्लाई करेंगे। तो इस फेस को तो हम सुंदर बना देंगे, लेकिन हमें इसी के साथ साथ अपने फेस का और अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो क्लीन और रिफ्रेश्ड फेस किसे नहीं पसंद होता है ना? लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से इतना एयर पोल्यूशन, और स्पेशली मैं तो इतनी गर्मी में शूट करती हूँ इतनी इतनी देर तक, तो कभी कभी फेस ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी कुछ टाइम से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस वॉश, जो कि स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। और मैं तो इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ टॉक्सिन्स, पैराबेंस एंड हार्मफुल केमिकल्स। तो इसमें है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आप सबको पता है कि स्किन के लिए कितना अच्छा होता है और स्किन को बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देता है। तो मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको फेस पे सर्कुलर मोशंस में अप्लाई करती हूँ। और इसमें जो सैल्सिलिक एसिड है वो पोर्स को अनब्लॉक करता है, और सिट्रिक एसिड हेल्प करता है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज को रिमूव करने में। तो फेस वॉश करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। एंड इसको यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और रिफ्रेशिंग और क्लीन फील करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप मामा अर्थ से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ऑन देयर वेबसाइट दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट। एंड बाय 2025 मामा अर्थ एम कर रही है 1 मिलियन ट्रीज लगाने का एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव, यानी कि जितना प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकिल करते हैं। एंड नाउ दे रिसाइकिल ओवर 1000 kg प्लास्टिक एवरी मंथ। इनके प्रोडक्ट्स Amazon, नाइका, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल हैं। और मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है, जहाँ पे यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। और मेरा कूपन कोड MH2022 यूज़ करने पे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, लेकिन ये कोड आप सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे फेस को मैंने यहाँ पे चॉक पेंट से पेंट कर लिया है, और अब इसके जो फेशियल पार्ट्स हैं उसको मैं पेंट कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर से। और फिर ब्रश पे हल्का सा डार्क ब्राउन कलर लेके मैं इस पे हल्की हल्की शेडिंग दे दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा ये वुडन लुक जैसा दिखाई दे। और इसी तरह से मैंने दोनों बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं। तो इस बॉक्स में आप अपने कुछ ज़रूरी सामान स्टोर करके भी रख सकते हैं, एट द सेम टाइम ये एक डेकोर पीस की तरह भी काम करेगा। तो एक ये 2-in-1 हमारा डेकोर पीस बनके तैयार है। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड का। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को थोड़ा सा थिक करने के लिए दो दो पीसेस कार्डबोर्ड आपस में स्टिक कर दिए हैं। तो इस तरह के मैंने 3 पीस रेडी कर लिए हैं। और अब इसकी एजेस थोड़ा क्लीन दिखें, इसके लिए मैं मास्किंग टेप से इसको कवर कर दे रही हूँ। और इसी तरह मैंने तीनों जो कार्डबोर्ड पीसेस हैं उनको रेडी कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिक्स करके एक पेस्ट बना ले रही हूँ, और अपने हाथों से ही मैं इसे इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। तो अब ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। थोड़ा सा अगर सरफेस अनइवन दिखती है तो आप उसको सैंड पेपर से थोड़ा स्मूथ कर दीजिए। और अब मैं अगेन इस पे चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप एक्रीलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो चॉक पेन ड्राई होने के बाद थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाता है। तो अब मैंने ब्राउन एक्रीलिक कलर में थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया और इसके ऊपर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको एक वुडन प्लैंक जैसा लुक देना चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से पेंट किया है ताकि इसकी सरफेस देख के ऐसा लगे कि ये बिल्कुल वुडन सरफेस है। तो इसी तरह मैंने तीनों पीसेस पेंट कर लिए हैं और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे अरेंज करके इसको पीछे की साइड से मास्किंग टेप से फिक्स कर दे रही हूँ ताकि इसका जो शेप है वो इस तरह ऊपर नीचे अरेंज रहे। अब बीच में भी मैंने ये टेप चिपका दिया है ताकि जब हम इस पर सर्कल ड्रॉ करें कंपास की हेल्प से तो बीच में होल ना हो जाए। तो अब मैं इस पर कई सारे सर्कल्स यहाँ पर बना ले रही हूँ और अब सेंटर से पास होते हुए हमें कई सारी लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सारी लाइंस को इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे मंडाला पैटर्न पेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे सर्कल्स और लाइंस बना लिए और अब इसमें मैं पेंसिल से कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि पेंसिल से बनाऊँ उसके बाद उसके ऊपर पेंट करूँ, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्टली पेंट से ही सारे पैटर्न्स बना लेती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए उसके बाद आप पेंट करिए। मैंने डायरेक्टली पेंट से ही इसको सारे पैटर्न्स बाद में ड्रॉ कर लिए थे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए मैं मंडाला पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। एंड जब भी मैं मंडाला आर्ट ट्राई करती हूँ, आप भी सुन के बोर हो चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से ये बोलूँगी कि मंडाला आर्ट जब भी मैं ट्राई करती हूँ मुझे एक अलग लेवल का ही कंसंट्रेशन और अलग लेवल का ही सेटिस्फैक्शन मिलता है और सच में ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा थेरेप्यूटिक है। तो अब जहाँ जहाँ भी मुझे इसको डबल कोट करने की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पर मैंने डबल कोट भी अप्लाई किया और कुछ इस तरीके से मैंने सारे पैटर्न्स ड्रॉ कर लिए। अब इसको थोड़ा और क्लियर लुक देने के लिए मैं इस सारे पैटर्न्स की आउटलाइन बना लूँगी ब्लैक कलर से। आप परमानेंट ब्लैक मार्कर से या पेन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे पैटर्न्स ड्रॉ करने के बाद जो टेप्स हमने पीछे लगाए थे उसको हटा देना है और बस अब लास्ट में हम वॉर्निश अप्लाई कर लेंगे। और वॉर्निश अप्लाई करने के बाद जो ये वुडन लुक था ये और ज़्यादा रियल लगने लगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने तीनों पीसेस को रेडी कर लिया। तो अब ये नेक्स्ट DIY बहुत ही इजी है। तो जब भी हम कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के ब्राउन पेपर में कई बार सामान को रैप करके भेजा जाता है, तो मैं यही पेपर यूज़ कर रही हूँ और ब्राउन पेपर से ही इस DIY की जो असली खूबसूरती है वो निखर के आएगी। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके के शेप में। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप हमें मिल जाएगा। तो आप चाहें तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए उसके बाद कट करिए। और अब सिंपली हमें इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि हम बचपन में फ़ैन बनाते थे ना पेपर से, उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और लास्ट तक बस फोल्ड करते जाना है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ ड्राइड पाम लीव्स बना रहे हैं और इसकी खूबसूरती ब्राउन पेपर में ही निकल के आएगी, इसलिए मैंने ये कलर चुना। अगर आप चाहें तो कोई ग्रीन पेपर ले लीजिए और ग्रीन लीव्स भी बना सकते हैं, बट ब्राउन लीव्स कुछ अलग ही एस्थेटिक लुक देती हैं। तो इसको फोल्ड करने के बाद इसके बीच में मैंने एक होल कर लिया है और अब आप कोई स्टिक ले लीजिए या कोई वायर ले लीजिए और इसको आपको इस होल के अंदर इंसर्ट करना है और ऊपर की साइड से आपको फेविकॉल लगा के इसे स्टिक कर देना है। तो जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल एक लीफ का शेप ले लेगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा और हम रियल लीफ की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से कट कर दूंगी। तो ये लीफ बनके रेडी है। अब इसी तरह की मैंने एक बड़ी लीफ भी बना ली और ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको आज की DIYs पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।